डिप्रेशन के 7 प्रमुख कारण के बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में पिछले 38 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूं। डिप्रेशन, निराशा बहुत ही कॉमन बीमारी है। मेजर डिप्रेशन है वो 3% लोगों को, 100 में से 3 लोगों को मेजर डिप्रेशन होता है। और साधा जो मामूली डिप्रेशन जो है, मूड स्विंग्स है, डिप्रेशन, डिप्रेस लग रहा है, न्यूरोटिक डिप्रेशन है, वो कुछ स्टडीज में 10% है, कुछ स्टडीज में 25% है। 10 से 25% लोगों को डिप्रेशन है। तभी हमको हमको ये देखना है कि इसके कारण क्या है। यदि हम कारण जान ले तो हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो मैं आपको 7 प्रमुख कारण बताऊंगा कि डिप्रेशन क्यों होता है। नंबर 1, तनावपूर्ण घटना, स्ट्रेसफुल सिचुएशन। आपके आजू बाजू में ऐसी कोई घटना होती है या आपके साथ में ऐसी कोई घटना होती है कि जिसके वजह से आपको डिप्रेशन आता है। एक तो हो सकता है कि आपका जॉब चले गया, आपका बिजनेस बैठ गया, आपकी रिलेशनशिप टूट गई, पति पत्नी में संबंध खराब हो गए, कोई किसी की मृत्यु हो गई, घर में परिवार में फेल हो गए, ऐसे कुछ भी घटनाएं ऐसी हो सकती है कि जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन आ सकता है। नंबर 1। नंबर 2, आपका व्यक्तिमत्व ही डिप्रेसिव है। ऐसे व्यक्तिमत्व रहते हैं कि जो हरदम पहले से बचपन से उनका ऐसा व्यक्तिमत्व बना हुआ है कि नकारात्मक है, कुछ भी बोलो तो भी नकारात्मक, वो नहीं बोलेंगे, ये होगा नहीं, ये संभव नहीं, ये होता नहीं है। उनका बिहेवियर जो है वो हरदम लो रहता है, मूड हरदम लो रहेगा, ऐसा उत्तेजित रहेंगे या बहुत उत्तेजना आएंगे ऐसा कभी दिखेगा नहीं आपको, बहुत ढीले रहते हैं, आराम से काम करते रहते हैं, डिप्रेस्ड व्यक्तिमत्व रहता है। तो एक कारण, नंबर 2। नंबर 3 जो है वो पारिवारिक इतिहास डिप्रेशन का। यदि आपके माँ पिताजी ये दोनों में से किसको डिप्रेशन हुआ है तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि आपको भी डिप्रेशन आ जाएगा, तो इसके बारे में आपको सतर्क रहना होगा। नंबर 4, डिलीवरी होने के बाद में स्त्री को डिप्रेशन आने की संभावना होती है। 100 डिलीवरी में से 0.5 to 1 लेडीज को डिप्रेशन आ सकता है, मतलब 200 में से 1 या 200 में से 2 लेडीज को डिप्रेशन आ सकता है अलग अलग स्टडीज के मुताबिक। फिर 5वां है अकेलेपन, आइसोलेशन। क्या आप अकेले हो, आप काम से काम कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम में लोगों को, काफ़ी सारे लोगों को डिप्रेशन हुआ अभी ये कोविड केस में, आइसोलेटेड रहते हो, आसपास में कोई नहीं, परिवार में कोई नहीं, ज़्यादा दोस्त नहीं है, अपने अपने दिमाग में घुते रहते हैं और उसमें फिर डिप्रेशन आने की संभावना ज़्यादा बनती है। 6वां कारण है शराब या लत की दवाइयाँ लेना, नशीले पदार्थ लेना। शराब या नशीले पदार्थ लेते हैं आप तो उससे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जैसा गांजा है, ब्राउन शुगर है, चरस है, अल्कोहल, तो इससे ज़्यादा चांस बनते हैं डिप्रेस्ड होने के। 7वां जो है वो शारीरिक बीमारी, बदन की बीमारी है, जिसमें हो सकता है कि आपको किडनी की बीमारी है, लिवर की बीमारी है, पेट की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, स्किन की, चमड़े की बीमारी है, कैंसर हुआ है, तो ऐसी बीमारियाँ हैं कि जिससे छुटकारा नहीं मिल रहा है, बहुत क्रॉनिक हो गई है, मज़े नहीं आ रही जीने में, तो डिप्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो ये 7 प्रमुख कारण हैं डिप्रेशन के। ये कारण यदि आपके जीवन में घटित होते हैं तो डेफिनेटली आपने पहले ही सावधानी बरतनी चाहिए, पहले ही डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए कि भाई ये ऐसी ऐसी घटनाएं हुई है और मैंने अभी क्या प्रिवेंशन करना है कि जिससे मुझे आगे डिप्रेशन नहीं आएगा। फिर से मैं आपको 7 कारण गिना रहा हूँ। 1, तनावपूर्ण घटना। 2, डिप्रेस्ड पर्सनैलिटी। 3, पारिवारिक इतिहास। 4, बच्चे का जन्म। 5, अकेलेपन। 6, शराब और नशीले पदार्थों का सेवन। 7, शारीरिक बीमारियां। वीडियो आपको अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो। आपको यदि कोई भी बीमारी, मानसिक बीमारी के बारे में यदि आपको कुछ चाहिए तो डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए उसके ऊपर 150 रुपये देकर आपका नाम रजिस्टर कर सकते हैं। हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर आपको कॉन्टैक्ट करेंगे और वो आपका पूरा इतिहास लेंगे, आपको कंसल्टेशन देंगे, मेरे से बात करेंगे और आपको हम मेडिकल से दवाई रवाना करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोज़ हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है।
वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।